देखिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार किस तरह से काम करेगी, चाहे कीटनाशक की बात हो, चाहे उस जमीन की धरती की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने की बात हो, किस तरह से सरकार मदद करेगी और किस तरह से 2022 तक का किसानों की आय को दोगुना किया जाएगा, यही विचार फिलहाल पीएम मोदी के आप सुन रहे थे। आगे बढ़ेंगे। यूपी में गंगा यात्रा का दूसरा दिन है। मेरठ के हस्तनापुर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने गंगा पूजन किया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति मौजूद रही। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी साथ रहे मौजूद। पूजन के बाद अमरोहा रवाना हुई गंगा यात्रा। दोपहर बाद अमरोहा के तिगरी घाट पर गंगा यात्रा पहुंचेगी। तो ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं हस्तनापुर की। ये तस्वीरें हैं जब गंगा घाट पर पहुंचकर दिनेश शर्मा और साध्वी निरंजन ज्योति ने पहले गंगा आरती की, पूजा की और उसके बाद में यहां से गंगा यात्रा को रवाना किया आगे के लिए। अब गंगा यात्रा दोपहर तक अमरोहा पहुंचेगी। ये हस्तनापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नमामि गंगे योजना के तहत दरअसल गंगा यात्रा का आगाज हुआ है और 27 से 31 तक गंगा यात्रा चलेगी। नमामि गंगे, हर हर गंगे, यही गूंज चारों ओर अब सुनाई दे रही है। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी। देखिए, गंगा यात्रा का मकसद साफ है कि गंगा की अविरलता, निर्मलता और ये पूरे जीवन दायनी गंगा के रूप में हमारे सामने आवे। पूरी 1038 ग्राम पंचायतें, 21 निकाय और 27 जनपद इससे कवर हो रहे हैं। 1358 किलोमीटर की ये कुल यात्रा है और मैं समझता हूँ कि ये सांस्कृतिक केंद्रों का, आध्यात्मिक केंद्रों का जीर्णोद्धार से लेकर और आयुष वेलनेस सेंटर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चौतरों घाटों का निर्माण के साथ साथ विभिन्न जगहों पर जैसे पॉलीथीन का प्रयोग रोकना, सीवर ड्रेनेज का प्रवाह को रोकना, आपको बताते हुए खुशी है कि 79 ड्रेनेज टैप्ड हो चुकी हैं और 25 जो ड्रेनेज हैं उनकी प्रक्रियाधीन है। उत्तर प्रदेश आवास योजना के अंतर्गत आवासों को देने की योजना, पंचायतों में स्वास्थ्य मेला, पशु आरोग्य मेला, गंगा मैदान व ग्रामीण स्टेडियम के साथ साथ इस गंगा यात्रा के दौरान जो तटों पर ही पेंशन वितरण का आयोजन भी हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोशन मिले और साथ में गंगा उद्यान और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिले, गंगा नर्सरी आदि के प्रयोजन भी इस गंगा यात्रा के दौरान किए गए हैं। यानी गंगा यात्रा एक ऐसा प्रयोजन है जिसमें सामूहिक रूप में विभिन्न कार्यक्रमों को समाहित करते हुए लोगों का जन जागरण का अभियान लेकर हम चले हैं और ये दो तरफ से चली है। एक तरफ बिजनौर से गंगा यात्रा का प्रारंभ हुआ है तो दूसरी तरफ बलिया से इसका प्रारंभ हुआ है। दोनों यात्राएं 31 मई को कानपुर में मिलेंगी और तब तक ये अलग अलग जगहों पर, एक जगह श्री राज्यपाल महोदया, दूसरी जगह मुख्यमंत्री जी ने इस यात्रा का प्रारंभ किया है। आज दूसरा दिन है और इस जो बिजनौर से चली हुई यात्रा है उसको लेकर चलने का सौभाग्य मुझे।
और वहीं केंद्रीय मंत्री साध्वी रंजन ज्योति से भी हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव ने खास बातचीत की है, वो भी देखिए। गंगा यात्रा के दूसरे दिन आज मखदुमपुर में भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। दीदी, जिस तरीके से गंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है, आम जनमानस जुड़ रहा है, आपको लगता है कि गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए एक ये बड़ी मुहिम है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जनता से आह्वान किया था गंगा को अविरल और निर्मल करना है। आप देख रहे हो कि पहले गंगा जी में क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है, धरती आसमान का अंतर है। उसी का परिणाम है कि पिछले भव्य और दिव्य जो कुंभ हुआ उसमें लोगों ने जम के स्नान भी किया और माँ गंगा में अपना समर्पण किया, श्रद्धा भाव समर्पित किया। आज ये जनजागरण, क्योंकि यात्राओं से जनजागरण होता है। भगीरथ जी ने भी यात्रा निकाली थी, तभी हमारे बीच में गंगा जी के रूप में अवतरित होकर के आई हैं। आज की इस यात्रा के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को कि एक जनजागरण पैदा कर दिया कि लोगों के अंदर गंगा के प्रति और माँ पृथ्वी के प्रति, दोनों के प्रति हमारी एक संवेदना होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए, जमीन और गंगा या नदियाँ कोई भी हो। इस गंगा यात्रा में राष्ट्रवाद भी देखने को मिल रहा है, राष्ट्र के झंडे भी मिल रहे हैं, भगवा झंडे भी मिल रहे हैं। राष्ट्रवाद तो सबके अंदर होना चाहिए। अभी हम 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहरा करके पूरे धूमधाम से राष्ट्रीय पर्व मनाया है, तो उसका तो होना चाहिए। आपको लगता है इस गंगा यात्रा से वो तस्वीर बदलेगी गांवों के किनारे, खासकर गंगा के तटीय इलाकों में जो संस्कृति? मैं बदली हुई है, मैं तो अपने क्षेत्र को बता सकती हूँ कि जो घाट बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, बैठने लायक नहीं थे, आज यदि उन घाटों में कोई बैठता है तो उनको अनुभूति होती कि हम गंगा जी के घाट पर बैठ, हरिद्वार के घाट में बैठे। विपक्ष सवाल खड़ा करता, कहता फिजूल खर्ची कर रहे हैं। विपक्ष का सवाल सफाई में खर्च होता रहा वो अच्छा था, हम लोग तो गंगा के लिए खर्च कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थी साध्वी निरंजन ज्योति, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि गंगा की तस्वीर अब बदल रही है और गंगा के किनारे ही नहीं बल्कि अब गंगा में आने में आपको एक सुखद अनुभूति होती है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव सारस्वत के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, हस्तिनापुर। गंगा किनारे हर हर गंगे की गूंज सुनाई दे रही है, हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। गंगा यात्रा का आज दूसरा दिन है। हस्तिनापुर, जिसे पांडवकालीन नगरी कहा जाता था, वहां से यात्रा अब गढ़मुक्तेश्वर के लिए प्रस्थान कर चुकी है। आप देखिए मेरे पीछे, मैं आपको दिखाऊं, ये मखदुमपुर का ये गंगा घाट है जहां पर ये पूरी गंगा आरती का आयोजन किया और उसके बाद ये यात्रा बुलंदशहर की तरफ आगे बढ़ी है। और इसी तरीके से पूरा गंगा घाटों से होती हुई अलग अलग जो गंगा घाट हैं वहां पर गंगा पूजन किया जा रहा है, गंगा आरती की जा रही है और उसके साथ ही सड़क मार्ग और जल मार्ग के जरिए जो गंगा यात्रा है वो आगे अनवरत बढ़ती चली जा रही है। और सबसे बड़ी बात है, इस बार की गंगा यात्रा में एक खास तस्वीर देखने को मिल रही है। राष्ट्र ध्वज के साथ साथ आपको भगवा यानी दोनों एक साथ आपको दिखाई देंगे। जो है जिस तरीके से यहाँ पर जो गंगा भक्ति की रसधार तो बह ही रही है लेकिन राष्ट्रभक्ति की रसधार भी यहाँ पर देखने को मिल रही है और जिस तरीके से मधुरमयी संगीत जो है यहाँ पर बज रहा है उसके बाद ये पूरा माहौल अपने आप में पूरा भक्ति में पूरा वातावरण हो गया है। और इसी तरीके से गंगा यात्रा में जहां जहां से गुजरती है वहां हजारों लोगों का जो कारवा है वो उसे रोक कर उसका स्वागत करता है, गंगा मैया के जयकारे लगाता है। तो ये पूरा अपना अपने आप में एक अद्भुत नजारा इस वक्त गंगा यात्रा के दौरान देखने को मिल रहा है। बिजनौर में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया, उसके बाद आज डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने गंगा आरती के जरिए जो है इस यात्रा को आगे प्रस्थान के लिए भेजा। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पूरी जो गंगा यात्रा है वो कंटिन्यू प्रोसेस में चल रही, अलग अलग यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर जुड़ते जा रहे हैं गंगा यात्रा के साथ, आम जनमानस भी बढ़ चढ़ करके गंगा यात्रा में शामिल हो रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो बेहद ही वातावरण जो सुरमई संगीतों के बीच में एक भक्तिमय वातावरण में इस गंगा यात्रा का जो कार्यक्रम है वो लगातार संचालित हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव सारस्वत के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, हस्तिनापुर।